सिख समाज के लोगों द्वारा बुधवार को भाजपा कार्यालय पहुंचकर सांसद शंकर लालवानी को एक खून से लिखा ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों का कहना है कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान सिख समाज के लोगों द्वारा भाजपा कार्यालय में जमकर नारेबाजी की गई। सिख समाजजनों का कहना था कि सिख विरोधी दंगों में बड़ी संख्या में सिख समाजजनों की हत्या हुई थी, लेकिन आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं। वहीं सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से न्याय की मांग की। इस बारे में बताते हुए सांसद लालवानी ने कहा कि सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी के नाम उन्हें पत्र दिया है। वहीं पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी एफआईआर में था और उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक फूल से लिखा हुआ पत्र माननीय मोदी जी के नाम से दिया है और इसमें दो बातें इन्होंने कही है। एक बात तो ये कही है कि 84 के दंगों में जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने लिखा है कि उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ 84 के दंगों के जो लोग हैं वो अभी भी घूम रहे हैं और 84 के दंगों का अभी तक न्याय नहीं मिला है, ये उन्होंने मांग की। और दूसरी मांग उन्होंने ये कही है कि जिस प्रकार से देश में आतंकवादी गतिविधियाँ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा संचालित की जा रही है तो उसको उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे सरगना जो पाकिस्तान में बैठे और आतंकवाद फैला रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, उसको लेके उन्होंने खून से पत्र लिख के दिया है। और जो ये पत्र उन्होंने दिया है उनका ये पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहा हूँ। सर, आपने खून से पत्र लिखा है, आज तक 35 साल हो गए हैं और सिखों को न्याय नहीं मिला है और 84 एक अगर हत्या होती है तो आप उसको फांसी की सज़ा आजीवन कारावास देते हैं और जिसने 5000 सिखों का कत्लेआम करा वो आज यहाँ सीएम बन के घूम रहे हैं, तो मोदी जी से एक तो ये न्याय की मांग शंकर ब्याह के थ्रू हमें पता है कि हो जाएगा और इसके लिए शंकर ब्याह को हमने ये उनसे पत्र लिखा है। दूसरा, हमने देश के आतंकवादी जो देश में गद्दार हैं उनका पूरी तरह से यहाँ से बाहर किया जाए और हम कब तक अपने शहीद जवानों को शहीद करवाते रहेंगे, जो मिलिट्री में जवान हैं हम कब तक उनको शहीद कराते रहेंगे, वो आतंकवादी भेजते हैं और हम उनको मार के खुश हो जाते हैं। तो हमारा ये मेरा ये मकसद है और सिख समाज का ये मकसद है कि आप सीधा पाकिस्तान को नष्ट करा जाए क्योंकि पाकिस्तान ही सरगना है इस चीज़ का और उसको पूरी तरह से ख़त्म किया।